So now we'll start with all the formulas of DC circuit and AC circuit. ठीक है? तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं DC सर्किट से रिलेटेड. DC सर्किट में फर्स्ट आ जाता है तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला, एक होता है तुम्हारा CDR और एक होता है तुम्हारा VDR. पढ़ा होगा CDR इज द करंट डिवीजन रूल. करंट डिवीजन रूल मैं साथ के साथ सर्किट भी बना रही हूँ, बिना सर्किट के नहीं आएगा तुम्हें समझ. लाइक सपोज करंट डिवीजन रूल हमेशा पैरेलल में ही एप्लीकेबल होता है, सीरीज में एप्लीकेबल नहीं होता. फर्स्ट थिंग, अगर मुझे I2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस. जैसे I2 निकाल रहे तो I2 के अपोजिट पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है? 4, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो कौन से दो रेजिस्टर हैं जो पैरेलल में कनेक्ट है? 4 + 6, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ये हो गया तुम्हारे पास I2 का फॉर्मूला. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे करंट सोर्स हो सकता है वोल्टेज सोर्स हो. अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम तीन रेजिस्टर पैरेलल में है तो तीनों के केस में क्या करेंगे? तो तीन को पहले दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ सर्किट बन जाएगा. देन ओनली यू कैन अप्लाई द करंट डिवीजन रूल. नेक्स्ट इज वोल्टेज डिवीजन रूल. वोल्टेज डिवीजन रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, नॉट इन पैरेलल सर्किट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अब इसमें मान लो ये है R1, ये है R2 और ये है V. इसमें हम डायरेक्ट वोल्टेज निकालते हैं. सपोज वी नीड टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस R2, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इज V मल्टीप्लाइड बाय R2, जिस ब्रांच में हमें वोल्टेज निकालनी है वो वाला रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये एक फॉर्मूला है. नेक्स्ट चीज आ जाती है तुम्हारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में तुम क्या कर सकते हो? करंट को वोल्टेज में और वोल्टेज को करंट में अप्लाई कन्वर्ट कर सकते हो. बट देर इज़ वन कंडीशन कि करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए और वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस होना चाहिए. लाइक सपोज दिस इज 10 एम्पियर एंड दिस इज 5 ओम. तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में कनेक्ट है, सेम रेजिस्टेंस वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा. और यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई इन टू आर होता है. तो आई कितना है? 10 एम्पियर यहाँ पे, और रेजिस्टेंस कितना है? 5. सो वोल्टेज इज हाउ मच? 50 वोल्ट. सिमिलरली वाइस वर्सा ऑल्सो पॉसिबल कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम करेंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट कंडीशन इज कि वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए, पैरेलल में नहीं होना चाहिए. तो करंट सोर्स बनाओ. देखो यहाँ पे करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट हमारा ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा. जो रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में कनेक्ट है वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे कितना हो गया? 5 ओम. और आई का क्या फॉर्मूला होता है? V/R. V कितना है यहाँ पे? 50. और R कितना है? 5. करंट फिर से घूम के कितना आ गया? वही 10 एम्पियर. नेक्स्ट फोर्थ वन इज हम क्या लगाते हैं? अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास मैश एनालिसिस. मैश एनालिसिस में दो कैटेगरी के क्वेश्चन कवर होते हैं, या तो विदाउट करंट सोर्स या विद करंट सोर्स. ठीक है, एक में मैं करंट सोर्स नहीं ले रही और एक में मैं करंट सोर्स ले रही हूँ. तो ये मान लो 4, 6, 8, 10, 12. अब इसकी तो वैल्यू बना लोगे तुम, इक्वेशन बना लोगे. दो मैश, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन. इस केस में बच्चे कहाँ अटक जाते हैं? करंट सोर्स की इक्वेशन पे अटक जाते हैं. तो मान लो ये 8 एम्पियर है, हमें बस डायरेक्शन देखनी है. I1 की डायरेक्शन और 8 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस. I2 की डायरेक्शन और 8 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव. और जब भी करंट सोर्स आएगा तभी तुम्हें सुपर मैश लेना है, अदरवाइज सुपर मैश नहीं लेना. बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि वो बिना करंट सोर्स के सुपर मैश ले लेते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं करना. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज उसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास नोडल. नोडल में तुम्हें क्या अप्लाई करना है? किरचॉफ करंट लॉ. नोडल में हम केसीएल अप्लाई करते हैं. सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट. ठीक है,
नेक्स्ट इज थेवनिन थ्योरम। थेवनिन थ्योरम के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आरएल को ओपन सर्किट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं अक्रॉस आरएल, दैट इज वीटीएच निकालते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, आरटीएच निकालते हैं। आरटीएच को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास आ जाता है नॉर्टन थ्योरम। दोनों को हमेशा कंपैरिजन में याद करना। स्टेप नंबर वन में आरएल को यहाँ पे ओपन सर्किट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट। स्टेप नंबर टू में यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, वीटीएच, और यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, नॉर्टन करंट आरएल के अक्रॉस ही। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर थ्री में यहाँ पे क्या निकालते हैं, आरटीएच, और यहाँ पे क्या निकालते हैं, आरएन। सेम वही चीज़ है, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट। इसके बाद आ जाती है हमारे पास सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम में हम एक टाइम पे एक ही सोर्स लेते हैं। मान लो हमारे पास ये सर्किट है और ये इसमें हमारे पास तीन सोर्स हैं, तो तीन सोर्स को सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट सोर्स लेंगे, बाकी को हटा देंगे। हटाना मतलब करंट को क्या करते हैं, ओपन हमेशा, और वोल्टेज को क्या करते हैं, शॉर्ट। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद करंट निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हम करंट सेकंड सोर्स को लेंगे, बाकी दोनों को हटा देंगे, दोनों वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, शॉर्ट। थर्ड स्टेप में हम थर्ड सोर्स को लेंगे, मतलब पहले दोनों हटा देंगे और फिर थर्ड सोर्स को ले लिया। मान लो तुमसे 20 ओम में करंट पूछी थी, तो 20 ओम में करंट ऐसे मार्क करा है आई, तो फर्स्ट स्टेप में भी करंट सेम डायरेक्शन में मार्क करना आई डैश, इधर भी सेम डायरेक्शन में करना आई डबल डैश, ये भी हो जाएगा आई ट्रिपल डैश। लास्ट में करंट का क्या वेल फॉर्मूला होगा, आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हमारे पास एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, कि अगर लोड रेजिस्टेंस और थेवनिन रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। और उसका क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वेयर टी एच डिवाइडेड बाई 4 RL। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास डेल्टा टू स्टार या फिर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो इसमें हमारे पास मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर सी, और ये हो जाएगा आर बी, एंड दिस वन इज सपोज R1, R2, R3। तो इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है, हमें स्टार की वैल्यू चाहिए, मतलब आर ए की वैल्यू चाहिए, आर बी की चाहिए और आर सी की चाहिए। आर ए का क्या फॉर्मूला होगा, आर ए तुम्हारा किससे कनेक्ट है, आर वन और आर टू से, तो आर ए इज आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सिमिलरली आर बी कैसे कनेक्ट है, आर टू और आर थ्री से, तो आर टू इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर सी किससे कनेक्ट है, आर वन और आर थ्री से, तो आर वन इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। नेक्स्ट स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टार टू डेल्टा, आर वन की वैल्यू चाहिए। तो आर वन तुम्हारा किससे कनेक्ट है, आर ए और आर सी से, तो आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाय जो रह गया आर बी। सिमिलरली आर टू किससे कनेक्ट है, आर ए और आर बी से, तो ये क्या हो गया, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर सी। अब आर थ्री तुम्हारा किससे कनेक्ट है, आर सी और आर बी से, तो क्या हो गया, आर सी प्लस आर बी प्लस आर बी आर सी डिवाइडेड बाय आर ए। ओके, नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द एसी सर्किट फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले सारे नहीं बता रही मैं, बेसिकली जो तुम्हारे मिड टर्म में आ रहे हैं वहां तक मैं कवर कर रही हूँ एसी सर्किट फॉर्मूले। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्म फैक्टर। ओके, फॉर्म फैक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है,
RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, तो ये कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, मतलब वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी एवरेज। तो उस केस में हमारे पास एवरेज वी आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स बाय रूट टू, एंड वी एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई पाई। वी मैक्स से वी मैक्स कट गया, पाई बाय टू रूट टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.11। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। सिमिलरली सेकेंड चीज़ आ जाती है हमारे पास पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, के पी। के पी का क्या फॉर्मूला होता है, पीक वैल्यू बोलो या मैक्सिमम वैल्यू बोलो, एक ही बात है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई आरएमएस। अब तुमने अभी अभी मैंने बताया कि आई आरएमएस का क्या फॉर्मूला होता है, आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू। तो मैक्स से मैक्स कट गया, रूट टू ऊपर पहुंच गया, 1.414। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसके बाद हमारे पास एसी में जो यूज़ होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, लाइक वोल्टेज जनरली हमारी साइनोसॉइडल फॉर्म में होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और करंट का क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ओमेगा टी। ये वी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना वोल्टेज या करंट पहुँच रहा है, ये जनरली जीरो, ये साइकिल चेंज होती है 180 डिग्री पे, कंप्लीट होती है 360 पे, और पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक आते हैं 90 और 270 पे। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताई है वोल्टेज और करंट की साइनोसॉइडल फॉर्म में। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई एवरेज का, अगर तुम्हारे पास वेव फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि पक्का आएगा ही आएगा, या तो वो ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है या फिर वो साइनोसॉइडल शेप में हो सकता है, तो उस केस में हमें आई एवरेज या वी एवरेज का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या होगा, लिमिट वेरी कर रही है अल्फा 1 टू अल्फा 2 वी डी टी डिवाइडेड बाय बेस लेंथ। तो एक एग्जांपल लेके मैं बता देती हूँ बेस लेंथ क्या होता है। लाइक सपोज ये वैल्यू वेरी कर रही है 0 1 2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर 1 तक। हमें सिर्फ यहीं तक की वेव फॉर्म देखनी है, आगे की वेव फॉर्म नहीं देखनी। तो अल्फा 1 इज 0, अल्फा 2 इज 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर 1 तक। बेस लेंथ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0, बेस लेंथ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0। अगर मान लो सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे गैप आ रहा है, तो 0 1 2, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी, बस एक बेस लेंथ चेंज हो जाएगी। बेस लेंथ इस केस में कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 0। ठीक है, क्लियर? इसी तरह हमारे पास वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ, पूरे में रूट है ये, डिवाइडेड बाय बेस लेंथ, सेम लिमिट वेरी कर रही है अल्फा 1 से अल्फा 2 तक आई स्क्वेयर डी टी। ठीक है, बेस लेंथ वैसे ही निकालनी है जैसे इसमें निकाली है, और लिमिट भी वैसे ही निकालनी है जैसे इसमें निकाली है। और अगर ये, हाँ सॉरी, वी स्क्वेयर होगा, वोल्टेज है तो वी स्क्वेयर होगा, करंट लेती तो आई होता। अब अगर तुम्हारे पास साइनोसोइडल फॉर्म में इस तरह से आ रहा है, तो उस केस में तुम वी की वैल्यू क्या लोगे, वी मैक्स साइन थीटा, या आई की वैल्यू क्या लोगे, आई मैक्स साइन थीटा। और अगर ऐसे ट्राइंगल की शेप में आ रहा है, तो कैसे लोगे, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। ये वाले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी थी कि ये कैसे लेना है। नेक्स्ट आ जाता है एक क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में पक्का आएगा, दैट इज पावर तुम्हारी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द पावर इज एक्टिव पावर, अनदर पावर इज रिएक्टिव पावर। मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो। अनदर पावर इज अपेरेंट पावर।
एक्टिव पावर का पी क्यू एस, हाँ पूछ सकते हैं, इनके डिफाइन पूछ सकते हैं, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखना, अपने आप बना के लिख देना। पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई, या फिर गूगल से देख लेना इनकी डिफाइन। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट वॉट। इसकी यूनिट क्या होती है, वी ए आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और इसकी यूनिट क्या होती है, वी ए। ठीक है, एक्टिव पावर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रेजिस्टिव लोड में। रिएक्टिव पावर हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड में। और एपरेंट पावर कहाँ यूज़ करते हैं, आर एल आर सी या फिर आर एल सी के कॉम्बिनेशन में। तो अब तीन ट्राइंगल तुम्हें अच्छे से पढ़ने हैं, एक इम्पिडेंस ट्राइंगल, एक वोल्टेज ट्राइंगल और एक पावर ट्राइंगल। इम्पिडेंस ट्राइंगल में आर यहाँ पे, एक्स एल और एक्स सी यहाँ पे, जेड यहाँ पे। वोल्टेज ट्राइंगल में वी आर यहाँ पे, वी एल और वी सी यहाँ पे, वी यहाँ पे। पावर ट्राइंगल में पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे और एस यहाँ पे। तो यहाँ से कॉस फाई क्या होता है तुम्हारे पास, पावर फैक्टर। बताया था ना, कॉस फाई पे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा कॉस फाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर बाय जेड। यहाँ से निकालोगे तो वी आर बाय वी, और यहाँ से कॉस फाई निकालोगे तो पी बाय एस। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। और यहाँ से लगाओगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूलेस तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मतलब याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड तुम्हारे उसमें कोई भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। अब तुम्हारे पास तीन टाइप्स के लोड होते हैं, कौन कौन से। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव लोड, और एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव लोड। देखो इस सब्जेक्ट को क्रैम करोगे तो नहीं आएगा, ये समझना पड़ेगा ही तुम्हें अल्टीमेटली। रेजिस्टिव लोड में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज पे होते हैं, मतलब कि अगर वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है तो करंट भी कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा, राइट। तो इन दोनों के बीच का फेज एंगल कितना होगा, जीरो। इसी तरह इंडक्टिव लोड के केस क्या होता है, करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वोल्टेज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वोल्टेज स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस पे, करंट लीड कर रहा है तो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। और इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, सिविल। सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में करंट पहले है तो, और वोल्टेज बाद में, दैट मीन्स करंट क्या करेगा, लीड करेगा। रेजिस्टिव में के केस में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, राइट। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स, मतलब तुम लोग पूछो कि मैम ए डेरिवेशन किस किस की आएगी। तो डीसी में तुम्हारी डेरिवेशन जो ज़्यादा चांसेस है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की पूछ सकते हैं, या किसी भी थ्योरम की, कोई ना कोई एक थ्योरम की डेरिवेशन वो 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर थ्योरम की डेरिवेशन नहीं पूछी तो वो स्टार डेल्टा की डेरिवेशन पूछेंगे। इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। एंड देन इसके एसी सर्किट में डेरिवेशन किसकी आएगी, मैंने बताया था आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ, या तो वो बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, या फिर वो बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव। फुल वेव ये वाली होती है जो तुमने ऑलरेडी 12th में पढ़ रखी है, राइट। हाफ वेव ये, इसको डिराइव करते हुए अगर मेंशन है वोल्टेज तो वोल्टेज लोगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इनकी डेरिवेशन अच्छे से रट जाना, ठीक है, ये मत छोड़ना। या तो न्यूमेरिकल आएगा इस पे 100%, या डेरिवेशन आएगी, ठीक है। इसी तरह इसमें से भी, या तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की डेरिवेशन आएगी, या मतलब थ्योरम की, या स्टार डेल्टा की। तो एक एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, डीसी
डीसी और एसी में डेरिवेशन का, और कितने कितने मार्क्स की आएगी ये डेरिवेशन आएगी तो 5 नंबर की आएगी, ठीक है, गॉट इट। अब वो ये डिपेंड करता है, देखो थेवनिन पे अगर इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया तो ये डेरिवेशन नहीं देंगे, डेरिवेशन दे दिया तो न्यूमेरिकल नहीं देंगे, इस तरह से चलता है।